Good morning students welcome back to our channel hi i am priya dharmesh tiwari from best english school today we are going with subject english for a standard second chapter name is curly logs and the three bears today i will explain whole story in hindi okay if you have a textbook you can open page number 96 बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आप ध्यान से सुनिएगा बड़ा मजा आने वाला है ओके okay? एक एक बार हो, एक लड़की जो होती है उसके बाल कैसे होते हैं करली यानी कि घुंघराले हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स उसका क्या नाम था कर्ली लॉक्स वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस एक बार क्या होता है उसके घर के पास में एक जंगल होता है वो वहां पर जाती है शी सा एक कॉटेज वो वहां पर क्या देखती है एक कॉटेज कॉटेज मीन्स होता है कुटिया आप कुटिया बोल सकते हो या आप झोपड़ी जैसी होती है आप वो भी समझ सकते हो कि उस टाइप का एक घर इस इन शी आगस्ट आगस्ट मीन्स होता है पूछना आगस्ट मीन्स क्या होता है पूछना उसने पूछा इस इन क्या कोई अंदर है देयर वॉज नो बडी वहाँ कोई नहीं था द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज यानी कि जो बियर की फैमिली थी एक भालू की जो फैमिली थी वो उस कॉटेज में रहती थी दे हैड गॉन फॉर अ वॉक वो लोग कहाँ गए थे टहलने के लिए गए थे करली लॉक्स वेंटेड करली लॉक्स जो होती हैं वो अंदर जाती हैं शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड हेयर वो देखना चाहती थी कि अंदर कौन रहता है शी सा थ्री बॉल्स ऑफ पॉरेच ऑन द टेबल उसने देखा कि वहाँ पे थ्री बॉल्स रखे थे पॉरिज मीन्स होता है खिचड़ी ऑन द टेबल वो टेबल पर उसने देखा कि थ्री बॉल्स रखे हैं पॉर्च यानी कि खिचड़ी से भरे हुए बॉल्स रखे हैं तीन देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा बियर जो बड़ा बॉल था वो पापा बियर के लिए था ए मिडल साइज बॉल फॉर ममा और जो मिडल साइज का जो बॉल था वो किसके लिए था ममा के लिए था देखिए ये पे देखिए बहुत बिग है ये जो है कैसा है ये मिडिल साइज का है और ये जो है सबसे टाइनी है यानी कि छोटा है बियर एंड आ सॉरी एंड आ टाइनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बियर और जो टाइनी यानी कि टाइनी मीन्स होता है छोटा तो वो किसके लिए था बेबी बियर के लिए था कर्ली लॉक्स वॉज हंगी करली लॉक्स जो थी वो भूखी थी शी एट दॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल उसने क्या करा कि जो बिग बाउल में पॉरेज रखी थी यानी कि जो खिचड़ी रखी थी वो उसने खा ली इट वॉज वेरी हॉट वो कैसी थी बहुत गर्म थी शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल उसने क्या किया जो मिडिल साइज की जो बाउल थी यानि कि ये उसने से क्या किया उसने उसने जो किया इसमें से भी खा लिया इट वॉस टू कोल्ड वो कैसी थी बहुत ठंडी थी शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बॉल उसने क्या किया जो सबसे छोटा जो बाउल था वो उसकी भी क्या करा उसने उसकी भी खिचड़ी खा ली इट वॉज अ जस्ट राइट वो कैसी थी ठीक थी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी अच्छा ये बताइए कि उसने कैसे पता करा कि पापा का है मम्मी का है ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पे पापा ममा बेबी ऐसे करके लिखा हुआ है ना कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिश उसने क्या किया करली लॉक्स ने सारी जितने भी मतलब जो खिचड़ी थी फॉरिश का आप सुबह का नाश्ता भी बोल सकते हो वो हलवा भी बोल सकते हो पॉरिज में एक्चुअली पर्टिकुलर शब्द नहीं है कि हम खिचड़ी के लिए ही यूज़ करते हैं उसको हम हलवे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो आप लोग शीरा वगैरह खाते हो ठीक है देन शी वेंट टू द बेडरूम फिर वो क्या करती है वो बेडरूम में जाती है देयर वॉज अ बिग सॉरी

जो बड़ा बेड था वो कैसा था कि मीन्स बहुत हार्ड था द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट जो मिडिल uh, साइज का जो बेड था वो कैसा था बहुत सॉफ्ट था बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट जो uh, सबसे छोटा बेड था वो कैसा था ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और ना बहुत ज़्यादा हार्ड था करली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड करली लॉक्स जो थी जो सबसे छोटा बेड था वो उसमें जाके वहाँ पे गई। बियर फैमिली केम बैक जो बियर की फैमिली थी वो वापस आ गई समी एट माई पॉरेज शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस यानी कि जो पापा बियर थे वो बहुत ही ग्रफ मींस होता है बहुत ही मतलब कड़क आवाज में बहुत जोर से उन्होंने बोला कि समबटटी एट माई पॉरेज किसी ने मेरी जो है खिचली खा ली सम्बटी एट माई पॉरेज टू सैड मामा बियर मामा बियर ने कहा अरे मेरी भी किसी ने सब पॉरेज जो है खिचड़ी थी वो खा ली सम बडी फिनिश्ड ऑल माई said सेट बेबी बियर इन हिज little voice। और जो आ, बेबी बियर था वो बोलता है कि अरे मेरी भी खिचड़ी किसी ने सब खा ली सब फिनिश कर दिया द bear फैमिली वेंट टू द बेडरूम जो बियर फैमिली थी वो बेडरूम की तरफ जाती है सम बडी in इन माई बेड शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ पापा बियर जो थे वो फिर पे, फिर से जोर से चिल्लाए सम स्लेप्ट इन माई बेड कोई मेरे बेड में सो गया सम बटी स्लैप इन माई बेड टू सेड मामा बियर कहने के लगता है मेरे बेड पे भी कोई सोया है सम बडी इज स्लीपिंग इन माई बेड सेड बेबी बियर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस जो बेबी बियर था वो धीरे से बोलता है मतलब बश, आ, मतलब बहुत जैसे बच्चे बोलते हैं सम इज स्लीपिंग इन माई बेड मेरे बेड में भी कोई सो रहा है करली लॉक्स वो कब कर्ली लॉक्स जो होती है वो जगती है शी सादा थ्री बियर्स वो देखती है थ्री बियर्स वहाँ पे हैं उसने जो मतलब जब वो उठी तो उसने अपने सामने क्या देखा थ्री बियर्स हैं शी जम्प डाउन एंड रन रन आउट ऑफ द कॉटेज वो जल्दी से कूदी एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज वो जो है कॉटेज से बाहर भागी एज फास्ट एज शी कुड वो इतनी ज़ोर से दौड़ी है वहाँ पर इतनी ज़ोर से भागी जितनी तेज वो वहाँ से भाग सकती थी ठीक है तो देखिए ये हमारी स्टोरी हो गई है इसको मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है नाउ आई विल टेल द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर एंड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ओके लेट्स स्टार्ट वंस वंस मीन्स होता है एक बार सी यू आर एल वाई करली करली मीन्स होता है घुंघराले फॉरेस्ट एफ ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल एच ओ यू एस ई हाउस यानी कि घर कॉटेज सी ओ डबल टी ए जी ई कॉटेज कॉटेज मीन्स होता है कुटिया ए एस के ई डी आगस्ट आगस्ट मीन्स होता है पूछना नो बडी एन ओ बी ओ डी वाई नोबडी मीन्स होता है कोई नहीं फैमिली एफ ए एम आई एल वी एल वाई सॉरी एफ ए एम आई एल वाई फैमिली मीन्स होता है परिवार जैसे कि आपके परिवार में मम्मी पापा सब साथ में रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं फैमिली एल आई वी ई डी लिव्ड लिफ्ट माने मीन्स होता है रहना वॉन्टेड वॉन्टेड मीन्स होता है चाहना बाउल्स आपको पता ही है पॉरेज पी ओ डबल आर आई डी जी ई पॉरेज पॉरेज मीन्स खिचड़ी हलवा जो भी है ठीक है मिडिल एम आई डबल डी एल ई मिडल टाइनी टी आई एन वाई टाइनी टाइनी मीन्स होता है छोटे हंगरी एच यू एन जी आर वाई हंग्री मीन्स होता है भूखा बेडरूम आपको सबको पता ही है जस्ट जे यू एस टी जस्ट एस ओ एफ टी सॉफ्ट शाउटेड एस एच ओ यू टी ई डी शाउटेड शाउटेड मीन्स होता है चिल्लाना जी आर यू डबल एफ ग्रव वॉइस ग्रव वॉइस मीन्स होता है बहुत ही कर्कश आवाज़ में यानी कि बहुत कड़क आवाज़ में ठीक है संबडी एस ओ एम ई बी ओ डी वैस संबडी फिनिस्ड एफ आई एन आई एस एच ई डी फिनिस्ड Jumped, j-u-m-p-e-d jumped, woke up, w-o-k-e-u-p, woke up, c-o-u-l-d, could. Okay, so these are hard words of this chapter. You have to write in notebook and learn also. Okay, it is your homework. Okay. आई होप आपको ये जो स्टोरी uh, थी उसको मैंने आपको मज़ा भी आया होगा सुनने में और आपको क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको हार्ड वर्ड्स दिए हैं वो आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं और डेट ज़रूर आपको डालनी है और उसको लर्न भी करना है ओके ओके स्टे होम स्टे सेफ विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आई वुड आई वुड लाइक टू पैकअप एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रेस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ओके बाय